डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस का फैमिली इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत डेविस्टेटिंग इफेक्ट होता है और एक मेजर रोल प्ले करती है फैम जो आपकी मैरिज रिजोल्यूशन है डायवर्स uh, केसेज के अंदर भी एक मेजर फैक्टर के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल नहीं होती बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है सो फॉर्मली स्पीकिंग डोमेस्टिक वायलेंस इज़ इन विच वन पार्टनर यूज फिजिकल इमोशनल और सेक्शुअल अब्यूज़ टू कंट्रोल और हार्म अदर पार्टनर एंड इट इज़ बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन मैनी फैमिलीज़ पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान

एक्नॉमिक फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से जो ख़ास तौर पे जो फ़िज़िकल वायलेंस है उसके ऊपर पार्टनर्स जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं तो आ, बहुत सी स्टडीज़ जो हैं वो इस हवाले से ये साबित करती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे कुछ ऐसी ट्रेडिशनल आ, लाइफ आइडियोलॉजीज़ होती हैं जिनकी वजह से शायद जो मेल पार्टनर है वो अपनी मैनहुड को एक्सप्रेस करने के लिए ये समझता है कि जो मेरा पार्टनर है जो फीमेल है इसको पावर के ज़रिए यूज़ ऑफ वायलेंस के ज़रिए जो है वो टेम किया जा सकता है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इसके हवाले से जो एजुकेशन है अवेयरनेस कैम्पेंस हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी माशरे के अंदर आ, इस रवैये के अंदर मस्बत तब्दीली लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ के अंदर काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल है लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस ख़ास तौर पे जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ और फ़िज़िकल यूज़ ऑफ फोर्स है ये अभी भी प्रवलेंट है अब ऐसा नहीं है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो फ़िज़िकल फ़ोर्स की एक्सरसाइज़ के ऊपर ही मबनी है आ, दूसरी तरफ भी देखा जाता है कि कैसे जो इमोशंस हैं या जो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं उनके ज़रिए जो फीमेल पार्टनर है वो भी मेल पार्टनर को जो है इसी तरह से वायलेंस के प्रोसेस के अंदर आ, आ, डाल सकती है फ़ीमेल की तरफ से जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस है उसकी अक्रेंस के वाक़त जो हैं शाजो नाज़िर ही रिपोर्ट हो पाते हैं क्योंकि उसमें एक बड़ी वजह तो ये होती है कि मैनहुड के ऊपर जो है इस बात को क्वेश्चन समझा जाता है कि हम फीमेल की इस तरह की इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस को कंसीडर करें या उसको डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से देखें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो इस तरह की वायलेंस होती है उसको भी जो है वायलेंस कंसीडर किया जाता है और उसके हवाले से भी पॉलिसीज़ जो हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ अडाप्ट की जाती हैं उसको कॉप करने के लिए सो डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंसो इज़ कंसीडर्ड इीगल इन पाकिस्तान एंड देर आर नंबर ऑफ लीगल एंड सोशल रिसोस अवेलेबल टू सपोर्ट द सर्वाइवर्स एंड टू होल्ड द पर्पीट्रेटर्स अकाउंटेबल तो रीसेंट पास में कानून के हवाले से इस हवाले से बहुत स्ट्रांग पॉलिस मुरतब की गई हैं बहुत से इदारे भी हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में पर्टिकुलरली ख़ीन की मदद करते हैं और अगर वो केसेज़ रिपोर्ट होते हैं तो उनके जो पार्टनर्स हैं उनको अप्रीहेंड भी किया जाता है लेकिन इंटरेस्टिंगली ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके असरा जो हैं वो दो पार्टनर्स तक महदूद नहीं रहते हैं इसका बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत नेगेटिव असर होता है इसी वजह से जो मुख्तफ सोसाइटीज़ हैं या मुख्तु कंट्रीज़ हैं उनकी ये कोशिश होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जा सकें जिससे डोमेस्टिक वायलेंस की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके तो पाकिस्तान के अंदर अभी चूँकि रीसेंट पास में इस हवाले से जो है हमें एक एक्टिविज़म मिलता है लोगों के अंदर अवेयरनेस कैम्पेन्स जो हैं वो रन की जा रही हैं और मुख्त इदारे जो हैं वो इस हवाले से अपना एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें देखने की चीज़ ये भी है कि हम इसके हवाले से जो भी अवेयरनेस कैम्पेंस लॉन्च कर रहे हैं उनका जो पर्टिकुलर फोकस है क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वन वे फ्लो है यानी मेल से फ़ीमेल की तरफ ही होती है या जो है फ़ीमेल भी इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अपना कोई रोल प्ले करती है सो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू के आप ये देखें कि अपने इर्द गिर्द के फैमिलियल रिलेशनशिप्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें और देखें कि इस वायलेंस के अंदर दोनों का क्या रोल होता है और किस तरह से साइकोलॉजिकल और इमोशनल टेक्टिक्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर